स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन के रिजल्ट कितने दिनों में नज़र आना शुरू होते हैं? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम किस तरह का है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन के जो इश्यूज हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे मिलाजमा है, डार्क स्पॉट्स हैं या सन स्पॉट्स हैं। यूजुअली 4 to 6 इंजेक्शंस के अंदर आपको ऑब्वियस रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर महविश आफ्ताब खान एंड टुडे आई एम गोइंग टू बस्ट फ्यू मिथ्स अबाउट वाइटनिंग इंजेक्शंस। आप चाहे ये सोच रहे हैं कि अपना स्किन टोन इम्प्रूव करने के लिए इंजेक्शंस लगवाएं, या आप वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली जो स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, इनमें जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो होता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, ये लिवर प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी में एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने में ये हेल्प करता है। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस में मेन या एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? यूजुअली स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस इज अ कॉकटेल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज ग्लूटाथायोन, अलॉन्ग विद इट विटामिन सी, विटामिन B12 एंड अदर विटामिंस कैन आल्सो बी एडेड इन दिस कॉकटेल। क्या स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन सिर्फ रंग गोरा करते हैं? द ट्रूथ इज नॉट। अगर आप ये समझते हैं कि ग्लूटाथायोन लगवाने से या स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने से आप कोई वाइट घोस्ट बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस जो हैं ये आपकी स्किन को इवन आउट करते हैं, यानी कि अगर स्किन के ऊपर किसी किस्म की हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, दैट कैन बी ड्यू टू सन एक्सपोजर और हार्मोनल चेंजेस, उनको इम्प्रूव करता है। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस के रिजल्ट कितने दिनों में नज़र आना शुरू होते हैं? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम किस तरह का है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन के जो इश्यूज हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे मिलाजमा है, डार्क स्पॉट्स हैं या सन स्पॉट्स हैं। यूजुअली 4 to 6 इंजेक्शंस के अंदर आपको ऑब्वियस रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। क्या स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं? नॉट रियली। एक दफ़ा जब आपका डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो जाता है तो यू नीड मेंटेनेंस ट्रीटमेंट एज वेल, प्लस इसके साथ साथ आपको सन प्रोटेक्शन और अदर जो स्किन के रूटीन है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस की प्राइस क्या होती है? यूजुअली मार्केट में जो स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस अवेलेबल हैं वो डिफरेंट डोजेस में हैं और डिफरेंट डोजेस की डिफरेंट प्राइस होती है। कुछ डॉक्टर्स डायरेक्ट वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाते हैं, कुछ डॉक्टर्स इसको कॉकटेल के फॉर्म में लगाते हैं, तो इट वेरीज अकॉर्डिंगली। क्या स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट भी होते हैं, या आप यूँ कह दें कि क्या स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस डेंजरस हैं और हार्मफुल हैं? नॉट रियली। अगर आप किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लगाएंगे और वो डेफिनेटली अगर गाइडलाइंस को फॉलो करेगा तो रियली इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस के लिए डॉक्टर का इंतखाब कैसे करना चाहिए? माई प्रेफरेंस कि सिर्फ स्किन वाइटनिंग के लिए नहीं, आपको स्किन का कोई भी इशू है उसके लिए आपको हमेशा बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट का ही इंतखाब करना चाहिए। अगर आप मुझसे स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट चाहते हैं या स्किन का कोई और इशू डिस्कस करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे या फिर हेल्थ वायर की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।